हेलो एवरीवन, माय नेम इज विष्णु। वेलकम टू ट्रेडिंग विद गुप्ता। मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे हम सभी का फेवरेट बैंक निफ्टी का, देन हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाले एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ऑनलाइन मनी अर्निंग, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड और भी वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, जो आपको प्रॉफिट अर्न करने एंड फाइनेंशियली फ्रीडम होने में हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 39,425 के समथिंग में, 39,430 के आसपास, एंड ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में रहा और ये क्लोज हुआ 39,750 के आसपास। तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले आज हमें कहां कहां पे ट्रेड मिल रहा था और कहां पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं चार्ट को फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन हो गया है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो बैंक निफ्टी ओपन होने के साथ ही 5 मिनट की टाइम कैंडल में ही ये 283 पॉइंट का मूव दिया ऊपर की ओर, एंड उसके बाद फिर ये मार्केट में थोड़ा सा अप डाउन रहा एंड यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, नीचे गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लाइन पे 39,660 के आसपास यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ पे पहले भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड फिर यहाँ पे तीसरे बार भी देखोगे कि यहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट लिया, बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लिया। एंड यहाँ पे अगर आप इसका वीक देखोगे इस कैंडल का, तो ये देखिए वीक कितना नीचे है और यहाँ पे बायर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। देन यहाँ पे आप चाहो तो बाय कर सकते थे, बट यहाँ पे कंफर्मेशन मिला नहीं। एक छोटा सा डोजी कैंडल यहाँ पे बना है, रेड कैंडल, एंड उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल इसका जो वीक है ये देखो आप, ये यहाँ पे क्या बायर का प्रेशर है। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए था कॉल ऑप्शन को, यहाँ पे आप आराम इजिली यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते थे 39,716 पे, एंड आपका जो पहला टारगेट होता वो होता सिर्फ 100 पॉइंट का। तो 39,716 पे अगर आप बाय करते देन यहाँ पे आप देखोगे हाई, इसने हाई कितना का लगाया, ये गया 39,821 पे। यहाँ पे आपको इजिली 15 मिनट के समथिंग में इजिली यहाँ पे आपको 100 पॉइंट मिल जाता। एंड फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके बाद फिर यहाँ नीचे आया, ये एक बड़ा सा एक रेड कैंडल बना, नीचे आया एंड फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे ऊपर, एंड फिर यहाँ पे आप देखोगे मार्केट कंसोलिडेशन किया थोड़ा देर के लिए, ये लगभग आधे घंटे के लिए मार्केट कंसोलिडेशन किया। एंड कंसोलिडेशन के बाद मैं यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ जो कंसोलिडेशन किया मार्केट, ये देखो ये था कंसोलिडेशन, सॉरी ओके। यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर के लिए कंसोलिडेट किया आधा घंटे के लिए, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, एक बुलिश ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये रेसिस्टेंस लाइन को फिर से ब्रेक किया। एंड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपको रेड कैंडल बनता हुआ दिखेगा, बट इस रेड कैंडल में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे इसकी वीक जो है काफ़ी बड़ी है नीचे, यानी कि यहाँ पे बायर का प्रेशर था। एंड उसके बाद फिर दो यहाँ पे डोजी कैंडल जैसा समथिंग कुछ बना, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, इसमें भी बायर का प्रेशर था और ये ऊपर की ओर देखो यहाँ पे बिल्कुल भी क्लोज, यहाँ पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे पहले ही आपको एक बुलिश कैंडल मिल चुका था, बट कंफर्मेशन नहीं मिला। तो उसके बाद जैसे ये कैंडल बना, ये कैंडल जैसे 5 मिनट का कैंडल बना, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी ये मार्केट कंसोलिडेट कर चुका था और इसके बाद ये ऊपर ही था। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लेते 39,769.70 के आसपास यहाँ पे आपको एंट्री मिलता है, एंड आपको इजीली यहाँ पे 39,850 का यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता। यहाँ पे आपको 100 पॉइंट तो नहीं, बट यहाँ पे आपको 80 पॉइंट के समथिंग यहाँ पे आपको मिल जाता इजीली। एंड फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस लिया, बार बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, एंड रेसिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ यहाँ से यहाँ तक, एंड फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया। तो अगर ये आप देखो, ये पहला रेड कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनना चाहिए था, देन आप यहाँ पे एंट्री लेते, बट ऐसा हुआ नहीं, एक ग्रीन कैंडल बना जिसमें बायर का ही प्रेशर था। एंड दूसरा रेड कैंडल अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा, यानी पिछला जो ग्रीन कैंडल था उसको ब्रेक करके ये एक रेड कैंडल बना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे एंट्री इजीली ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक रेड कैंडल बना और ये रेसिस्टेंस लेवल को
टच करके नीचे आ रहा था। तो अगर आप यहाँ पे एक एंट्री लेते थे 39,811 के आसपास तो आपका टारगेट, सॉरी आपका स्टॉप लॉस ये होता। उसके बाद देखोगे दो ग्रीन कैंडल बना भी बट आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। कई लोग क्या करते कि जैसे ये दो ग्रीन कैंडल बना वो क्या करते एग्जिट हो जाते, लॉस बुक कर लेते। और ज़्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, इसलिए लोग प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं। बट आपको ये गलती नहीं करनी है। और ये दोनों कैंडल को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अभी भी ऊपर से सेलर का ही प्रेशर है। इसका विक देख रहे हो, सेलर का ही प्रेशर है। और उसके बाद देखोगे फिर से रेड कैंडल बना एंड मार्केट यहाँ से आपको आपका जो टारगेट था वो यहाँ से आपको 39,750 इजली आपको मिल जाता है। यहाँ की उससे नीचे तक भी आया मार्केट, बट आपको जैसे आपका 39,750 में यहाँ पे आपका था, आपका टारगेट यहाँ पे मिल चुका था, देन आप यहाँ पे एग्जिट हो जाते। एंड उसके बाद भी यहाँ पे एक बड़ा सा बुलिश कैंडल्स बना, ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था या फिर नहीं? यहाँ पे आपको एंट्री नहीं ले क्योंकि ऑलरेडी आप दो ट्रेड आप ले चुके थे और दोनों ही ट्रेड आपका प्रॉफिट में था। तो यहाँ पे एंट्री लेने का कोई मतलब बनता नहीं। और वैसे भी आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, यहाँ पे बायरन सेलर का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। यहाँ पे देख रहे हो वीक कितनी बड़ी बड़ी है, जहाँ पे ओपन हो रहा उसी के आसपास क्लोज हो रहा, सिर्फ वीक बड़ी है। तो यहाँ पे आपको नो, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना था। एंड ये क्लोज हो गया यहाँ पे आके 39,750 पे। अब बैंक निफ्टी के लिए कल का क्या लेवल होगा, तो कल का लेवल देखने के लिए हम फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 39,750 का जो लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी आज बंद हुआ, तो ये क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मार्केट देखो पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये पहले रेसिस्टेंस था, यहाँ पे आके सपोर्ट, तो ये एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल है। और ये जो ऊपर का ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, अगर बैंक निफ्टी कल इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है देन यहाँ पे आपको पुट को बाय करना है। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 39,660 का, एंड दूसरा टारगेट होगा 39,560 का, एंड तीसरा टारगेट होगा 39,478 का। बट अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके, जहाँ पे ये क्लोज हुआ है आज, यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाता है देन यहाँ पे आपको बाय करना है। जैसे ये 39,850 को ब्रेक करके ऊपर जाता है देन यहाँ पे आपको बाय करना है, कॉल बाय करना है। और आपका पहला टारगेट होगा वो होगा 39,950 के समथिंग 50 का, एंड दूसरा टारगेट होगा 40,100 का। अगर आप सेफ बाय करना चाहते हैं तो ये 39,853 को जैसे ये ब्रेक करके कंफर्मेशन देगा तो ही यहाँ पे आप कॉल को बाय करें। एंड इसके बीच में भी आप ट्रेड ले सकते हैं बट मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए कल का लेवल। आप इसे 1 मिनट एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को अपना ओपन करके रखें, और जैसे ही 1 मिनट के या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे ब्रेक करता है देन आप वहाँ पे कंफर्मेशन मिलने के बाद इजिली यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है। एंड स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप मानो कि अगर आपने पुट बाय किया इसी ब्रेक करके नीचे है, आपने पुट बाय किया देन आपका स्टॉप लॉस जो है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ 39,750 के समथिंग, इसके ऊपर रहेगा 10 पॉइंट, ठीक है, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। बट अगर आप कॉल बाय कर रहे हो देन अगर जैसे मार्केट बैंक निफ्टी इसे क्रॉस करके ऊपर जाता है देन 39,853 के नीचे 10 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होगा। और आप अपने अकॉर्डिंग भी स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं कि आपका कितना टारगेट है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए कल का लेवल। तो अब देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ आज एंड फिर कल का लेवल चेक करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी में, तो निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ था 17,550 पे एंड ये भी कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में ही रहा, और ये क्लोज हुआ 17,651 पे, यानी 100 पॉइंट ये लगभग ऊपर गया, 550-651 100 पॉइंट पे जाके ये क्लोज हो गया ऊपर जाके। तो आज कहाँ कहाँ पे हमें निफ्टी में ट्रेड मिल रहा था, तो इसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लगाएंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इसे लगा लिया है। अब हम देखते हैं कि अब देखते हैं कि निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के जैसे मार्केट ओपन हुआ, ये 5 मिनट के कैंडल में ही 85 पॉइंट का लगभग यहाँ पे आपको ऊपर की और मूव मिला। एंड देन यहाँ पे आप देखोगे ये एक रेड कैंडल मिला, बट ये रेड कैंडल यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेवल जो इसका यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। एंड दूसरा रेड कैंडल जो बना वो सपोर्ट लेवल को तोड़ा था बट ये नीचे आया नहीं, ये फिर ऊपर जाके ही क्लोज हुआ सपोर्ट लेवल के ऊपर। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो सपोर्ट लेवल है 17,583 यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा। तो उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बना, एक अच्छा सा बुलिश ग्रीन कैंडल बना 36 पॉइंट का समथिंग,
37 पॉइंट का एक ग्रीन कैंडल बना। तो इस ग्रीन कैंडल के बाद आपको ट्रेड ले लेना चाहिए था, आपको कॉल बाय करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप ग्रीन कैंडल के बाद इस कॉल को बाय करते हैं, आपका क्या स्टॉप लॉस क्या होता है, ये रहता है स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, एंड आपका टारगेट ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट। अगर आप देखोगे तो ये आपका फर्स्ट टारगेट भी डन हो गया, एंड ये कैंडल देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल नीचे आया, बट उसके बावजूद ये आपका स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ नहीं। बट अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते थे तो इसके बाद आप रुक जाते, ये ग्रीन कैंडल वापस से बना, इसमें बायर का प्रेशर है, एंड यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे, आपका पहला टारगेट ये एंड दूसरा टारगेट ये दोनों डन हो जाता। बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाते, समझ लो कि आपका यहाँ पे ट्रेड छूट गया, तो फिर यहाँ पे आके नीचे आए, एंड आप यहाँ पे देखोगे ये जो रेसिस्टेंस लेवल था, ये रेसिस्टेंस लेवल था प्रीवियस डे का, तो ये इस रेसिस्टेंस लेवल पे आके फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। देख लो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे, एंड सपोर्ट लेने के बाद ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये एक हैमर के जैसा छोटा सा कैंडल, यहाँ पे देखो बायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको ये जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, देन यहाँ पे आप देखो एक दूसरी कैंडल बना, जहाँ पे ओपन हुआ उसी के आसपास ये क्लोज हुआ, देन यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे अभी आपको कॉल बाय करना था, एंड आपका पहला टारगेट ये एंड दूसरा टारगेट ये, दोनों ही टारगेट यहाँ पे आपको अचीव मिल हो गया। तो ये हो गया निफ्टी के लिए लेवल, एंड इसके बाद आपको ट्रेड लेना भी चाहिए था, नहीं भी लेना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद कुछ खास रहा नहीं। अब देखते हैं कि निफ्टी के लिए कल का क्या लेवल होगा, कल कहाँ पे हमें कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, और कल कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो अगर बैंक निफ्टी कल 17,000, ये जो लेवल है 17,653 को ब्रेक करके नीचे आता है, देन यहाँ पे आपको पुट बाय करना है, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 17,617 का, एंड दूसरा टारगेट होगा 17,583 का, एंड तीसरा टारगेट होगा 17,543 का। बट अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेके, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो ये तीनों कैंडल जो 15 मिनट का कैंडल है, ये कंसोलिडेशन का कैंडल है, यहाँ पे ओपन ये एक रेंज में फंसा हुआ ये तीनों कैंडल, तो इसे ब्रेक करके नीचे आता है तो आपको पुट बाय करना है, ब्रेक करके ऊपर जाता है देन आपको कॉल बाय करना है। तो अगर आपको सेफ बाय करना है तो ये जैसे ये 17,680 को ब्रेक करके ऊपर जाता है, देन यहाँ पे आपको एक कॉल बाय करना है, आपका पहला टारगेट होगा वो होगा 17,706 का, एंड दूसरा टारगेट होगा आपका 17,774 का। अगर आप चाहो तो इस बीच में भी कहीं पे भी अपना एक टारगेट सेट कर सकते हो, वहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो। तो ये हो गया निफ्टी के लिए कल का मूव। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए आज कहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था, कहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए था, और बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए कल का क्या मूव होगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर कर दें, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले जो भी ट्रेडिंग करते हैं, ताकि उसे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके एनालिसिस में, और वो समझ सके कि कल उसे कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, लेना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एंड अगर आपका कोई भी सुझाव हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, देन वहाँ पे आपको जो भी सुझाव होगा और या फिर जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एनालिसिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कीजिए।